आज से 570 बरस पहले हजरत ईसा अलैहि सलाम थे और हजरत ईसा अलैहि सलाम की आमद से पहले 1250 साल पहले हजरत मूसा अलैहि सलाम तशरीफ लाए और हजरत मूसा अलैहि सलाम से 1350 साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम तशरीफ लाए। हमारा इन तमाम अंबिया पर चूंकि मुकम्मल और भरपूर यकीन है। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के एक बेटे का नाम था इसहाक अलैहि सलाम और हजरत इसहाक अलैहि सलाम के एक बेटे का नाम था हजरत याकूब। हजरत याकूब का खिताब था इसराइल, उनका दूसरा नाम था इसराइल। इसलिए हजरत याकूब अलैहि सलाम की जो औलाद है उन सब लोगों को बनी इसराइल कहते हैं, उनको बनी इसराइल कहते हैं। और दुनिया में हजरत इब्राहिम के बाद हजरत इस्माइल अलैहि सलाम के बाद जितने भी पैगंबर आए वो सब हजरत याकूब अलैहि सलाम की नस्ल से आए और हजरत इस्माइल अलैहि सलाम की नस्ल से सिर्फ एक ही नबी आए, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अब इस बात पर उनको जोम है यहूदियों को, क्योंकि सारे नबी जो हैं वो हमारी हिरारकी में आए, हमारे नबी की औलाद से आए, लिहाजा हम चोजन लोग हैं। चोजन मीन मुंतखब लोग, अल्लाह ताला ने हमें मुंतखब किया हुआ कि हमने हुक्मरानी कर रही है, हम पैगंबर बने, हम लोगों ने रियासतों पर हुक्मरानी की। एनी हो, हजरत जो याकूब थे, ज़रा तवज्जो चाहिए बच्चों की, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और एक बेटी थी। 11वें बेटे का नाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनका कुरान पाक में भी तज़करा है, और 12वें बेटे का नाम बिन्यामीन था। हजरत याकूब के एक बेटे का नाम था यहूदा, जिन्होंने मिलकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका था। हजरत याकूब के एक बेटे का नाम था यहूदा और यहूदा की जो औलाद थी वो सारी यहूदी कहलवाई। हुआ ये कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के मुकाबले में आए, फ़िरौन गर्क हो गया, तो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोगों के लिए आसमान से खाना उतरता था जिसको मनोसलवा कहते थे। ये यहूदी जो थे इन्होंने क्या किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम लोग ये मनोसलवा जो आसमान का सुबह शाम खाना उतरता है हम इससे थक चुके हैं, उकता चुके हैं, लिहाजा आप हमारे लिए अनाज का, प्याज का, ककड़ी का और ये तरें होती हैं इनका एहतमाम करें। तो अल्लाह ताला को मूसा अलैहिस्सलाम ने जब रिक्वेस्ट की तो अल्लाह ताला ने कहा ये कैसे लोग हैं, इन्होंने बेहतरीन चीज़ के बदले में बदतर चीज़ को प्रेफर किया। तो अल्लाह ताला ने इन पर फिटकार भेज दी, इन पर अल्लाह ताला ने कहा आपके लिए अजाब अजीम है। ये वो नस्ल है, ये वो कौम है जो कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमत पर भी इन्होंने नाशुक्री की और उसके बाद क्या हुआ कि ये धुतकारे गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी ज़माने में ये जो यहूदी थे इनके लिए यहूदियों ने कहा कि हमें पानी भी चाहिए। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ये पत्थर है, इसके ऊपर आप आसा मारें इसमें से 12 चश्मे फूट पड़ेंगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब आसा पर पत्थर पर आसा मारा तो 12 चश्मे फूट पड़े और वो 12 चश्मे जो है इनके 12 कबाइल थे यहूदियों के, उन 12 कबाइल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तकसीम कर दी। अब नतीजा क्या हुआ कि ये चूंकि अल्लाह ताला की बात भी नहीं इन्होंने मानी थी और मनोसलवा से भी इनकार किया था, ये लोग ज़्यादातर शरीर लोग थे, शरारती लोग थे। अब अल्लाह ताला ने उनको फरमाया कि आप इनको फ़लस्तीन की तरफ ले जाएं, ये यहूदी जो हैं वहाँ जाके ये काश्तकारी करेंगे और वहाँ ये चीज़ें जो कहते हैं ये उगाएँ और इस तरीके से ये चीज़ें खाएँगे। तो ये वहाँ आ गए, लेकिन चूँकि बुनियादी तौर पर ये शरारती लोग थे, जिस इलाका में आए फ़लस्तीन में उसके इर्द गिर्द उर्दन, लबनान और मिस्र ये इलाके हैं, तो मिस्र के लोग जो थे वो भी इनके रेशा दवानियों की वजह से, इनकी शरारतों की वजह से बहुत परेशान थे। और हुआ क्या कि मिस्र ने, मिस्र के हुक्मरान, उसका नाम था बख्त नसर, हमारे यहाँ पढ़ा जाता है बख्त नसर, बख्त नहीं ये बख्त नसर है, बख्त नसर ने यहूदियों पर हमला किया और इनको, इनके 10 कबाइल जो थे उनके सारे लोगों को चुन चुन के इन्होंने मार दिया। सिर्फ 2 कबीले रह गए थे इनके और वो 2 कबीले भी छुप गए। और उसके बाद क्या हुआ कि इनकी साजिशें जारी रहीं, इराक़ का बादशाह जो था इसने भी हमला किया और इसने 70,000 यहूदियों को कत्ल किया और उसके बाद 1,00,000 यहूदी जो थे उनको गिरफ्तार करके साथ ले गए। हजरत याकूब के एक बेटे का नाम था दाऊद अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था हजरत सलमान
हजरत सलमान ये वो शख्सियत थे जिनकी जिन्नों इंसानों पे, पानियों पे, हवाओं पे, हर जगह पे हुकूमत थी। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि वहाँ ये जो आज आप लोगों को नज़र आता है फ़लस्तीन की मस्जिद गुंबद नज़र आता है, ये बुनियादी तौर पे इसको कहते हैं हैकल सुलेमानी, इसको कहते हैं हैकल सुलेमानी, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं द डॉम ऑफ रॉक। ये बेसिकली इसको उर्दू में कहते हैं हैकल सुलेमानी। हैकल जैसे आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं दो हैकल बहुत बड़ा, हैकल सुलेमानी। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने ये जिन्नों की मदद से ये एक बहुत बड़ा डॉम बनाया था और ये पहली इबादत गाह थी मुसलमानों की, और इसी तरफ मुंह करके मुसलमान जो है वो नमाज़ पढ़ा करते थे। किबला अव्वल हमारा कहलाता है इस तरह बैतुल मक़द्दस जिसको हम कहते हैं, और बाद में इसके साथ एक और छोटी मस्जिद बनाई गई हैकल सुलेमानी के साथ, बेसिकली वो मस्जिद थी जिसको हम मस्जिद अक्सा कहते हैं। ये जो डॉम हमको एक गोल्डन कलर का बहुत बड़ा नज़र आता है गुंबद, ये बेसिकली हैकल सुलेमानी है, ये मस्जिद अक्सा की तस्वीर नहीं है। तो अजीज़ तलबा तालिबात, दूसरी दफ़ा सन 70 ईस्वी में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद एक रोमन जनरल था, उसका नाम था टाइटस, टाइटस, उसने यहूदियों पर हमला किया और उसने भी इनको मलियामेट कर दिया। कुछ बच गए यहूदी, ये इधर उधर भाग गए, और उसके बाद ईरान के बादशाह, उनका नाम था सिर्रस, ये तारीख में सिर्रस द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, इसने फिर क्या किया वहाँ लोगों को इकट्ठा किया और इस टेम्पल की दोबारा तामीर की, ये जो टेम्पल था यहूदियों का, और फिर इन यहूदियों ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान एक माहिदा तय पाया। और वो माहिदा क्या था, माहिदा ये था कि यहूदियों ने ये कहा कि जब ये हार गए, शिकस्त होगी इनको, हजरत ये दौर था हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का, जब मुसलमानों ने यहाँ कब्ज़ा किया, तो जब कब्ज़ा हो गया तो यहूदियों ने कहा कि हम आपको एक शख्स में बैतुल मक़द्दस की चाबियाँ देंगे अगर आपका अमीरुल मोमिनीन यानी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला खुद तशरीफ लाएँ। जब वो खुद तशरीफ ले ऊंट पे बैठ के गए, और वो वाक़या आपको याद आ रहा होगा, बड़ा खूबसूरत वाक़या, वो ज़रा गौर से सुने। जब हजरत उमर ऊंट पे सवार थे और उनका ग़ुलाम जो था वो लेके चल रहा था, और जब वहाँ पहुँचे बैतुल मक़द्दस के करीब, तो ग़ुलाम की बारी ऊंट पर बैठने की थी और हजरत उमर फारूक उस वक्त चल रहे थे। तो ग़ुलाम ने ये कहा कि मैं लेके चलता हूँ ऊंट की नुकेल। हजरत उमर ने कहा नहीं, ये अब चुके आपकी बारी है, लिहाजा आप ही ऊंट पर बैठेंगे और मैं ऊंट की नुकेल लेकर आगे। ये वाक़ उस दौर उस वक्त का है। फिर हिटलर का अच्छा, उसमें हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के दौर में ये हुआ कि यहूदियों को ये इजाज़त दी गई कि इस जगह पे ये जो मस्जिद है, ये बैतुल मक़द्दस जो है जिसको यरूशलेम कहते हैं इलाका, इसमें यहूदी सिर्फ साल में एक दफ़ा आ सकते हैं वरना नहीं आ सकते, क्योंकि वो शिकस्त खुर्दा थे, जंग में उनको हार हो चुकी थी, और उसके बाद से लेकर ये दूसरी जंग अजीम, ये पहली जंग अजीम तक का जो सफ़र है, इसमें उनकी रेशा दवानियाँ, उनकी शरारतें वो जारी रहीं। फिर हिटलर आ गया, हिटलर ने इनके 30 लाख यहूदियों को कत्ल किया इनकी शरारतों की वजह से, और आजकल दुनिया में टोटल आबादी जो यहूदियों की है वो 1,50,00,000 है, जिसमें से 80 लाख जो हैं वो वहाँ आबाद हैं, और 80 लाख में से भी 20% जो लोग हैं वो मुसलमान हैं। टोटल आबादी इसराइल की या फ़लस्तीन की जो है मिला के वो 80 लाख है, और दुनिया के बाकी ममालिक में जो यहूदी रहते हैं, इवन के कराची में भी यहूदी रहते हैं, उनकी टोटल आबादी, और स्कॉटलैंड में, अमेरिका में, बरतानिया में, आयरलैंड में, इनकी टोटल आबादी जो मिला के 1.5 करोड़ है। 1914 में बरतानिया और अमेरिका के पास ये गए यहूदी, और इन्होंने कहा कि हमें एक होमलैंड दिया जाए, हम दर बदर हैं। तो वहाँ ये फैसला हुआ अमेरिका और बरतानिया की ज़ेर निगरानी के इनको एक होमलैंड दिया जाए, चूँकि इनकी जो असल जगह है वो यही है फ़लस्तीन, लिहाजा उन्होंने फ़लस्तीन को के लोगों को, यहूदियों को वहाँ फ़लस्तीन के करीब बसाया। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ असाज़ा के लिए, बच्चों के लिए बताना चाहूँगा कि दुनिया में सिर्फ दो रियासतें ऐसी हैं, दो रियासतें जो आइडियोलॉजिकल स्टेट हैं, इसमें एक पाकिस्तान जिसका मतलब था ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आइडियोलॉजिकल, और दूसरी आइडियोलॉजिकल स्टेट है यहूदी, ये इसराइल, ये दो ही रियासतें हैं। इसराइल को चूँकि हमने तस्लीम नहीं किया, लिहाजा हमारी किताबों में सिर्फ एक इस्लाम पाकिस्तान की बात होती है कि एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है।
तो दूसरी जंग अजीज के वक्त इनको एक जगह दे दी गई अमेरिका और बरतानिया के कहने पर, इन्होंने वो शहर बसाया और उसके बाद इनकी शरारतों का सिलसिला बहरहाल ख़त्म नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, आप लोग ये देख लें कि दूसरी जंग अजीम के बाद से लेके अब तक ये मुख्तलिफ शरारतें इनकी जारी रही हैं। मुसलमानों का चूँकि एक हिस्सा मुसलमानों का था, बेसिकली तो सारा मुसलमानों का था, जब ये कब्ज़ा कर चुके थे मुसलमान यहाँ फातह हो गए थे, तो इनको जब दोबारा बसाया गया तो इन्होंने अब कोशिश की कि ये जो गज़ा है, ये जो तिल अबीब है, ये जो फ़िलिस्तीन के शहर हैं, इन पर इन्होंने कहा कि हमने कब्ज़ा करना है। और ये क्या चाहते हैं, ये जो असल हैकल सुलेमानी है उसकी जगह ये ढूंढ रहे हैं, क्योंकि तीन दफ़ा ये मिसमार हुआ, दोबारा बनाया गया। हैकल सुलेमानी ये इसलिए ढूंढना चाहते हैं, वो खुदाई करते हैं, और उनका एक मैंने लाइन पढ़ी थी, उन्होंने कहा अगर हमें पूरी दुनिया भी खोदना पड़ी तो हम खोदेंगे, जहाँ हैकल सुलेमानी की बुनियादें थी हम उसी के ऊपर वो टॉम दोबारा खड़ा करेंगे। तो अजीज़ तलबा तालिबात, आज ये बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, यहूदी चूँकि देखें हज़रत मूसा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, उन्होंने अपने भाई को जिन लोगों ने कुएं में फेंक दिया था, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो आप लोगों के लिए बेहतर सोचेंगे। ये शरारती लोग हैं जिन्होंने मनोसलवा का रिफ्यूज़ कर दिया। आज हम जिस स्टेज पे खड़े हैं, दो लाइनों में ये बात ख़त्म करने वाला हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारे तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं वो खामोश, और ये मुजरमाना गफलत है, मुजरमाना खामोशी है, हमें इसके आगे आना चाहिए। क्योंकि दुनिया में एक खूबसूरत सी बात मैं पढ़ रहा था कि जब पाकिस्तान ने ये एटम बम बनाया तो इसराइल के बच्चे ने एक नारा लगाया था, और उसमें उन्होंने कहा था यहूदियों से कि अब संभल के हमारे साथ बात करना, अब इस्लाम ने भी एक एटम बम बना दिया है। तो हमारे हुक्मरानों के लिए ये क्या है, एक लम्हा फिक्रिया है कि वो फलस्तीन के बच्चे क्या कह रहे हैं, वो आपके एटम बम को अपना एटम बम कह रहे हैं, और आप ऐसे हैं कि हुकूमती सतह पर और एस्टेब्लिशमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी किस्म की कोई हमारे पास इनकी इनको रोका नहीं गया, ना ही इन पर कोई तनकीद की गई है। सो आप बच्चों, आखिरी दो लाइनें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत ने काम कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, उनके साथ देना है। आप लोगों ने ये काम कर रहा है कि जो इसराइल की प्रोडक्ट्स हैं वो सारी उनका बाइकॉट कर रहे हैं, इसराइल की जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकॉट कर रहे हैं। वो फाइनेंशियली कमज़ोर होंगे तो फिर हमें उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि दुनिया में इस वक्त जितने भी जहाज़ बनाए जाते हैं, जितने भी जंगी जहाज़ हैं, जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, जितना बड़ा कारोबार है, ये यहूदियों का है, लेकिन है अमेरिका में। जो बैंक के सारे सिस्टम, बैंक का सिस्टम, सूदी निज़ाम सारा इन्हीं का है। तो हम लोगों ने इससे बचना है, वो कैसे, अगर हम इनकी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फाइनेंशियली कमज़ोर हो जाएंगे। और सबसे अहम बात, आप चूँकि तमाम तलबा तालिबात और असातिज़ा यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, हमें अपने बच्चों को ये बताना है कि दयानतदारी से आप इल्म हासिल करें, साइंस और टेक्नोलॉजी में जाएं, और साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ें कि इनका मुकाबला कर सकें। मुझे यकीन है कि हमारे ये जितने भी होनहार तालिबे इल्म हैं, हमारे असातिज़ा हैं, इंतहाई दयानतदारी के साथ, इंतहाई जाफिशानी के साथ तालीम देंगे और बच्चे तालीम हासिल करेंगे, और इंशाअल्लाह हम दुनिया में ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि इस्लाम का नाम रोशन करेंगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।